नमस्कार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश भर में उत्साह की भावना और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कई लोगों का सपना है कि 22 जनवरी को ही वो अयोध्या आए, पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सब लोग 22 जनवरी को ही अयोध्या चले जाएं। और वैसे भी आम लोगों के लिए राम मंदिर 24 जनवरी से खुलेगा। और अगर आप भी अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचा जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो ने अपनी उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से रूट हैं जिसके जरिए आप अयोध्या पहुंच सकते हैं और उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। अगर आप बस से अयोध्या आना चाहते हैं तो ऐसे में यूपी रोडवेज की बसें चलती हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट बस ऑपरेटर से भी बस को बुक कर सकते हैं जो अयोध्या रेगुलर बेसिस पर चलते हैं। अगर आप ट्रेन से अयोध्या आना चाहते हैं तो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से सीधी ट्रेनें अयोध्या के लिए चलती हैं, जो आपको अयोध्या धाम जंक्शन छोड़ देंगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है और 15 जनवरी से दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट प्लेन सुविधाएं यहां के लिए शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कहीं और से अयोध्या आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से भी आप अयोध्या आ सकते हैं। उसके बाद आप लखनऊ से बस या फिर ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्सी भी वहां से बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या की जो दूरी है वो 130 किलोमीटर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से आप मंदिर के अंदर जाने के लिए टिकट ले सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में सभी भक्तों का प्रवेश वैसे तो निशुल्क है, लेकिन अगर आप ज्यादा देर के लिए रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए शुल्क देना होगा। अभी टिकट की कीमत कितनी रखी जाएगी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।